मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दंगों की साजिशों को नाकाम करने की जिम्मेदारी आपके हमारे ऊपर है। अकेले एक समाज, एक जात, एक धर्म नहीं, ये संविधान ने सभी धर्म जाति को बराबरी का दर्जा दिया है। हमने किसी का विरोध नहीं किया, किसी की आस्था का विरोध नहीं किया। हम किसी महामानव को, किसी भगवान को, किसी की आस्था को कभी भी छोटा नहीं मानते हैं। हम उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारा दिन भी बोलता है तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन, और हमारा संविधान भी कहता है सर्वधर्म समभाव। इसलिए हम आपके आस्था का आदर करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की आस्था श्री राम को भगवान मानने की है, उसको संविधान की जोड़ है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान सभा में संविधान को मुकम्मल करना था, तो बाबा साहब ने कहा कि संविधान को आज हम लिख रहे हैं, लेकिन इस संविधान के अंदर हजारों वर्षों से जो सभी के धर्म की जाति की आस्था अस्मिता वाले व्यक्तिमत्व है, उनको जब तक संविधान में शामिल नहीं करेंगे, भारत की धरोहर को संविधान में शामिल नहीं करेंगे, वो हमारी असल आस्था की संपत्ति को संविधान में शामिल नहीं करेंगे, तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र पुरुषों का संविधान में होना जरूरी है। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर बड़े आदर सम्मान के साथ श्री राम की प्रतिमा को शामिल किया, श्री कृष्ण की प्रतिमा को शामिल किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को शामिल किया। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब ने इसी संविधान के अंदर सम्राट अशोक को भी शामिल किया है, साथ ही साथ बाबा साहब ने हजरत टीपू सुल्तान को भी शामिल किया है। इनका भी आदर होना चाहिए, इनका भी सम्मान होना चाहिए। संविधान में शामिल हर राष्ट्रीय संपत्ति धरोहर को हम राष्ट्र पुरुष मानते हैं। आप हमारे राष्ट्र पुरुषों का आदर सम्मान करो, हम आपके राष्ट्र पुरुषों का आदर सम्मान करेंगे। धर्म जाति के आधार पे तोड़ने की, बांटने की बजाय इस राष्ट्र को अगर हमको कामयाब करना है, आगे बढ़ाना है और विश्व विजेता बनना है, तो आपके पास संविधान के सिवाय कोई चारा नहीं है, संविधान के सिवाय कोई उपाय नहीं है।